की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम अपने तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। हिडन करके रखो अपने आपको, हिडन, पागल बन कर रखो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बता नहीं, कोचिंग कहाँ जाते हो? कोई लड़की आती है इसलिए। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम अपने तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चला 10th रैंक का आईएएस, नाम चेक किया तुम्हारे पापा के नाम से, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, तुम कह दिए कि हम तो सिरिडिक टेंपल में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात ये है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हो तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। जो तुम तैयारी करने लगे खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तो मजा आने लगा पढ़ाई में खूब, और उसके लड़के को नहीं आ रहा है, आ रहा है यार ये बहुत पढ़ रहा है। बोले पर तब बोले बताते रुको, बोले वर्मा, बोले हाँ, गोवा चलोगे? वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हराम खोरी मजा लिया जाएगा, वर्मा जी चलेगा गोवा। ये सोच के गया कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते, ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है, इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है, जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर में बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटल फील्ड में हाथी पे बैठा उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बन के रहो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं आईएएस की तैयारी, देने दो गाली, तुम्हें गाली दे रहे ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह पहली पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए, भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना, तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती हैं। सब राजा नहीं बन सकते क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो, जो तुम पाने जा रहे हो ना उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो, हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना, खेल पढ़ना मेहनत नहीं है, मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना,